हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी मैं आप लोगों को एनसीएफ पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाया था फ़र्स्ट पार्ट इसका जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 फ़ाइव क्या है उसे क्यों लाया गया और उसे किसने पब्लिश किया कौन सी कमेटी को चेयर कौन से चेयरमैन थे जिन्होंने सारी चीज़ों को देखा ठीक है और फिर मैंने आपको बताया था कि एन जो है उसमें पाँच चैप्टर है या उसके पाँच एरिया है जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर है उसका परस्पेक्टिव क्या गाइडलाइंस दी एन सी एफ ने वो बताया अब हम सेकंड चैप्टर देखेंगे इस वीडियो में जो कि है लर्निंग एंड नॉलेज ठीक है तो इसमें क्या मेंशन किया एन सी एफ़ टू में कि बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन यानी कि जो हम उनको लर्निंग कराते हैं या जो नॉलेज देते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए किस तरह से हमें देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है तो लर्निंग शुड बी एन एंजॉयबल एक्ट वेयर चिल्ड्रन शुड फील दैट दे आर वैल्यूड एंड देयर वॉइज आर हेयर्ड यानी जो लर्निंग हम करा रहे हैं स्कूल में एज ए टीचर हमें किस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे जो है उस पढ़ाई को या पढ़ने को इंजॉय करें ठीक है उन्हें क्या बोरिंग ना लगे क्लास में उन्हें ये नहीं लगे कि अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा है मुझे क्लास लेनी है मुझे स्कूल जाना तो वो ऐसा बिल्कुल भी बोर ना महसूस करें वो उसको इन्जॉय करें जैसे वो किसी गेम को इन्जॉय करते हैं किसी एक्टिविटी को इन्जॉय करते हैं दूसरी बात क्या बोली गई कि हमें क्या ध्यान देना है हमें बच्चे को वैल्यू देना है बच्चे की आवाज़ को वैल्यू देना है ये नहीं कि आप टीचर आए जैसे पुराने समय में था कि टीचर आते थे लेक्चर दिया और चले गए बच्चे से मतलब ही नहीं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं बच्चों से पूछें बच्चों की राय ली जाए उनके ओपिनियन उनके एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस पूछे जाए ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब बोला गया कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड यानी एजुकेशन का जो आधार है वो बच्चा होना चाहिए तो जो भी चीज़ें हम एजुकेशन में फॉलो कर रहे हैं हम बच्चे को ध्यान में रख कर करें चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन्स गिविंग प्रायमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसिस देयर वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि चाइल्ड सर्ट्रेंड का मतलब क्या है कि हम बच्चों का जो एक्सपीरियंसिस हैं उनको भी प्रायमेसी दें यानी कि प्रायोरिटी दें उनके एक्सपीरियंसिस को प्रायोरिटी दें उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रायोरिटी दें उनकी वॉइस को प्रायोरिटी दें यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ में हम बच्चे को पूरी तरह से इन्वॉल्व करें दैट रिक्वायर्ड अस टू प्लान लर्निंग इन कीपिंग विद चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट यानी हम जो भी अपना लेसन प्लान करने के आज हमें ये टॉपिक पढ़ाना है तो हम बच्चे को ध्यान में रख कर करें बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रख कर करें जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लें आपको बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक uh, एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में आए और बोलोगे कि आज हम वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और आपने ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख दिया और उनको बोल दिया कॉपी कर लो और याद कर लेना ये क्या हो गया ये तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो गई लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड कब हुई कि जब आप क्लास में आए और आप बोलोगे आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब आप सब बच्चों से पूछोगे कि आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं सारे बच्चे बताएंगे फिर उनसे पूछोगे कि कौन से एनिमल्स को आपने घर में देखा कि लोग घर में पालते हैं उन्हें कौन से एनिमल्स को देखा कि आपने जंगल में रहते हैं या जू में उन्हें रखा जाता है तो इस तरह से क्या है आप एक डिस्कशन क्रिएट करोगे जिसमें बच्चा क्या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा बच्चे को बोलने का मौका भी मिलेगा और बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगा उसके बाद आप जब बच्चों से बात करके आपको जो जो भी नाम वो बताएं उन्हें आप ब्लैक बोर्ड पर मैंशन करो फिर लास्ट में सब लोग मिल फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे तो इस तरह से जो आपने टीचिंग की है अपना पूरा जो टीचिंग का लेसन प्लान किया वो क्या होगा आपका चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो इसी बात पे एन सी जो है वो जोर देता है कि बच्चे की साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर लर्निंग प्रोसेस जो है वो की जाए द पीरियड फ्राम इंफेंसी टू एडलेंस इज़ वन ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंजेस the curriculum should focus on the holistic development of the student to enhance physical and mental development in individual and interaction with others dusri baat kya kahi gayi ki jo bachcho ka jo infancy का जो समय है period है child development का वहाँ से लेके adolescence तक यानी कि जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं ठीक है वहाँ तक इन्फेंसी से लेकर अडल्टन तक क्या होता है बच्चों को रैपिड ग्रोथ होता है बहुत ही तीव्र गति से ग्रोथ होता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं बहुत जल्दी जल्दी तो करिकुलम कैसा होना चाहिए करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट करे होलिस्टिक यानी कि समग्र विकास करे सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंटल डेवलपमेंट हो बल्कि मेंटल डेवलपमेंट भी हो फिज़िकल डेवलपमेंट को भी एनहांस करें और साथ साथ में सोशल इंट्रैक्शन जो है उनका उनके पेयर्स के साथ या उनकी सोसाइटी के साथ कम्युनिटी के साथ तो जो इंट्रैक्शन होता है स्पेशली पेयर्स के साथ क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं वो क्या है अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं तो ये तरीके से क्या बोला गया कि उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें फ़िज़िकल मेंटल और सोशल तीनों तरह का जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए ठीक है अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ़ द स्टूडेंट्स रिक्वायर बेसिक नीड्स अब जब हमें किसी बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है यानी कि उसका दिमाग भी तेज हो उसका शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ हो और उसके आस पास का जो वातावरण है जो सो, शोशल सोसाइटी है उसके साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हों तो उसके बेसिक नीड्स क्या है एडिक्यूट न्यूट्रिशन फिजिकल एक्सरसाइज एंड अदर साइको शोशल नीड्स आर एड्रस्ड ठीक है इन सब चीज़ों की क्या है ज़रूरत है ठीक है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि किस तरह से हम उस बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें तो न्यूट्रिशन के लिए आपको जैसे पता है मिड डे मील चलाया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि जो बेचारे लोअर बैकग्राउंड से आते हैं ठीक है जिनके पास जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन को ले सके तो उसकी वजह से क्या वो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता उनका क्योंकि पढ़ाई में मन लगने के लिए या मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है तो उसके लिए क्या कहा गया, गया? कि हम मिड डे मील चलाएँगे ठीक है दूसरी बात है फिज़िकल ग्रोथ के लिए क्या बोला गया कि बच्चे को फ्री प्ले कराया जाए इनफॉर्मल और फॉर्मल गेम्स खिलाए जाए ठीक है योगा कराया जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाए इन सब से क्या होगा एक तो बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट होगा दूसरा क्या है साइको सोशल यानी कि उनका जो इंटरेक्शन है क्योंकि वो ग्रुप में कोई गेम खेलेंगे ग्रुप में कोई काम करेंगे मिलजुल कर तो उनका क्या होगा अपने पीयर के साथ अपने जो साथी हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन अच्छा बनेगा तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने से अगर हम एजुकेशन में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको ऐड करने से क्या हुआ कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ सिर्फ मेंटल नहीं बल्कि फिज़िकल और सोशल डेवलपमेंट भी हुआ ठीक है तो अब दूसरी बात क्या किया कि जब हम ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो इट विल इम्प्रूव स्टेमिना फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स सेल्फ़ अवेयरनेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन टीम गेम्स तो इससे बच्चे का स्टेमिना भी इम्प्रूव होगा उसके जो फाइन और ग्रोसर मोटर स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे और बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जो है वो अपने बारे में जानेगा कि मैं क्या हूँ मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं साथ में वो क्या है किसी टीम में कोऑर्डिनेशन करना भी सीख जाएगा ठीक है तो फिजिकल डेवलपमेंट सपोर्ट्स मेंटल एंड कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन तो फिजिकल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के मेंटल और कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है तो ये था पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव में क्या कहा गया है कि एडोल्टेंस एडलसन यानी कि जब बच्चे जो है अडल्ट हो जाते हैं तो वो क्या है वो एक क्रिटिकल पीरियड है एडल्सन इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल सेल्फ आइडेंटिटी इट इज़ अ वेलनरेबल एज फॉर स्टूडेंट्स एंड द करिकुलम शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट दैट विल इन

उसमें जो एडल्सन्स वाला पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है आपको पता है कि उस समय में एज जब बच्चा टीन एज में होता है ठीक है उस समय क्या होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता है तो उस समय बच्चे को स्कूल क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय स्कूल में बिताता है तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो उस स्टेज में बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कर सके ठीक है सपोर्ट कर सके जो भी उसके सामने सिचुएशन है या आने वाली सिचुएशन है उसके लिए उसे तैयार कर सके क्योंकि वो एक एज होती है जिसमें बच्चा बिगड़ सकता है पूरी तरह से और पूरी तरह से बन सकता है तो हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए वो ऐसा इस तरह से हम उसे प्रिपेयर करें कि वो बच्चे को क्या करें सपोर्ट प्रोवाइड करें उसके सोशल और इमोशनल पर्सपेक्टिव में ठीक है क्योंकि क्या होगा उस स्टेट के बाद उसको ऐसी स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरी ज़रूरत है कि वो अपने फ्यूचर में आने वाली जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करना सीख जाए कैसा होता है कि उस समय जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है प्ले प्रेशर यानी साथी जो भी उनके होते हैं उनसे कंपटीशन वाला प्रेशर होता है जलन की भावना वाला प्रेशर होता है ठीक है तो वो चीज़ें जो हैं बच्चे उसमें नेगेटिव ना हो जाए वो समझें कि क्या चीज़ है दूसरी बात है जेंडर स्टीरोटाइप्स भी होते हैं वो एक स्टेज होती है जहाँ पर बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप हो आ जाता है कि लड़की ऐसी होती है या लड़के ऐसे होते हैं लड़की ये नहीं कर सकती लड़के वो नहीं कर सकते या हमारे सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप हो जाते हैं तो उस समय हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए हम हमारी बुक्स में या हमारे टीचर्स जो है वो ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने दिखाएं जिनसे क्या है वो जाति पाती जेंडर स्टीरियोटाइप आता है इसके अलावा जाति पाती की भावना भी उस समय बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये जो सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो बेहतर तरीके से समझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकें जो भी आ, उनके मन में डाउट है उनको क्या है क्लियर किया जा सके क्योंकि तो ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एन सी में जो है एडलसेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए बात कही गई है आपने देखा होगा कि ये जो स्टेज होती है एडोलसेंस उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो उसके लिए आजकल स्कूल्स में काउंसलर रखे जा रहे हैं बच्चों की काउंसलिंग की जाती है स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं स्पेशल लेक्चर दिए जाते हैं जिनमें उनको चीज़ें समझाई जाती हैं जो भी इस टाइम पर चेंजेस आते हैं बच्चों में उनके बारे में तो ये सब क्या किया गया पहले ये सब नहीं किया जाता था पहले सिर्फ बच्चे के आ, क्या है पढ़ने से मतलब रखा जाता बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं जाता था जिसकी वजह से होता था बच्चे के अंदर मन ही मन में क्या चीज़ें चल रही टीचर को पता ही नहीं चलता किस वजह से बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है पेरेंट्स को पता नहीं चलता तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में जो है वो एनसीएफ टू में रखा गया और मैंशन किया गया कि हमें बच्चे की हर एक आ, कह सकते एरिया को ध्यान में रखना है नेक्स्ट बात की कहीं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्पेशली स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ दूसरी बात करी गई इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की या इंक्लूसिव एजुकेशन की यानी कहा गया कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए इंक्लूसिव होना चाहिए समावेशी होना चाहिए जिसमें सभी को एक नज़र से देखा जाए स्पेशली डिसेबल बच्चे जो डिसबलिटीज इनको अलग रख दिया जाता है कि भाई इन, ये तो डिसेबल है इनको अलग से पढ़ाया जाए अलग स्कूल्स में पढ़ाया जाए नहीं यहाँ पे बात की गई कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए इंक्लूसिव होना चाहिए सब लोग मिलकर पढ़ें ठीक है अ स्टूडेंट विद डिसबिलिटी हैज़ अ इक्वल राइट टू मेंबरशिप ऑफ द सेम ग्रुप एज़ ऑल अदर स्टूडेंट यानी कि कोई बच्चा जो है वो अगर डिसेबिलिटी को के डिसेबल है तो वो भी उसके पास भी इक्वल राइट right है कि वो बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ पढ़े स्कूल देयर फॉर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी of providing a flexible curriculum that is accessible to all student तो ये responsibility बनती है school की कि उनका जो curriculum है वो कैसा होना चाहिए flexible तो flexible curriculum की बात की गई जो कि सभी के हिसाब से होना चाहिए next बात की गई कि teacher for construction of knowledge teacher जो है वो कैसा होना चाहिए वो knowledge को construct करने वाला होना चाहिए ठीक है टीचर यहाँ पे क्या है एक टीचर की तरह काम ना करें बल्कि एक फैसिलिटेटर की का, तरह काम करे जो बच्चों को फैसिलिटेट करे कि आप नॉलेज को ख़ुद से कंस्ट्रक्ट करो खुद से बनाओ खुद से रचना करो उसकी कंस्ट्रक्टिविज़्म का मतलब क्या है रचनावादी यानी उसकी रचना करो कि अगर ये चीज़ ऐसी हो रही है तो वो कैसे हो रही है ये नहीं कि बस टीचर ने आया बताया और आपने पढ़ लिया और बस मान लिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है नहीं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात की गई आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात की गई कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज को कैसा करे खुद बनाए रचनावादी लर्निंग की बात की गई है लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाई कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स एंड एक्टिविटी अब हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जो है वो कैसे दे सकते हैं बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रैक्टिकल कराएँ ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मटेरियल्स दिखाएँ विजुअल एड्स दिखाएँ एक्टिविटीज़ कराएँ ताकि क्या है उसके थ्रू वो जान सके कि चीज़ें जो किताबों में लिखी हैं वो रियल लाइफ में भी होती हैं ठीक है थीके? वो उनका क्या फैक्ट है उनके लॉजिक को जान सके वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके यानी कि जो भी उनके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ थे जो पहले से उन्हें चीज़ें पता थी अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे वो न्यू आइडियाज़ को आ, समझ सके उनसे अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट कर सके ठीक है जैसे कि अगर किसी बच्चे ने देखा है कि रात को जब सूरज है वो ढल जाता है चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है और सुबह जब सूरज निकल जाता है तो सुबह हो जाती है ये उसका एक्सपीरियंस है लेकिन इसे वो क्या अपने नॉलेज को कनेक्ट करेगा कि कैसे होता है तो आप उसके लिए क्या बच्चे को एक एक्टिविटी करा सकते हो आप उसके सामने एक प्रोजेक्ट बना के ला सकते हो मॉडल बना के जिसमें आप सन हो जिसमें अर्थ हो मून हो तो उसमें आप बता सकते हो किस तरह से रोटेशन से जो है वो दिन रात होते हैं तो उससे क्या होगा उसका जो एक्सपीरियंस है उसे उसने क्या किया अपने न्यू जो भी आइडिया था उससे कनेक्ट किया और अपनी नॉलेज को क्या किया उसने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे सिर्फ उसने रटा नहीं है अपने नॉलेज को उसने कंस्ट्रक्ट किया है ठीक है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ इंट्रैक्शन यानी इंट्रैक्शन की बात कही गई है कि बच्चे जो हैं वो क्या है इंट्रैक्शन करना सीख सके वो अकेले में ना रहें सेल्फ सेंटर्ड ना रहें बल्कि क्या है अपने टीचर से अपने फैमिली मेम्बर से अपने फ्रेंड से अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्शन करें और चीज़ों को जानें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें तो स्टूडेंट्स हैव टू बी एनक्रेज टू इंटरैक्ट विथ पीयर टीचर एंड ओल्डर पीपल विच वुड ओपन अप मैनी मोर रिच लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो बच्चों को हमें इसे इनक्रेज करना है हमें उनसे क्या हम ऐसे एक्टिविटी करा सकते हैं ना कोई भी अगर हमने काम बोला है कि आप इसके बारे में पता करके आओ जैसे खेल के बारे में कि पुराने ज़माने में क्या खेल खेले जाते थे तो आप उनको एक प्रोजेक्ट दे सकते हो जिसमें बच्चे क्या हाँ जाएँगे अपने माता पिता से बोलेंगे उनके समय में क्या खेला जाता था अपने कम्युनिटी के लोगों से पूछेंगे अपने दादा दादी से पूछेंगे तो इससे क्या वो इंट्रैक्ट हुए ठीक है अपने बड़ों से अपने टीचर से अपने दोस्तों से पूछेंगे कि आपका फेवरेट गेम क्या है ठीक है तो हमें क्या है बच्चों को इनक्रेज करना है इंट्रक्शन के लिए ठीक है जिससे क्या होगा उनका जो उनको जो है वो बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी चीज़ों को सीखने के लिए नेक्स्ट था डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि हमें उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इस तरह से करनी है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपने नॉलेज को गेन करें तो लर्निंग टास्क दैट आर डिज़ाइन टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन विल बी एनकरेज टू सीक आउट नॉलेज फ्रॉम साइट्स अदर देन द टेक्स्ट बुक इन देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल एट होम एंड इन द कम्युनिटी इन लाइब्रेरीज एंड आउटसाइड द स्कूल यानी क्या करना है हमें आउटसाइड द स्कूल से हुआ है पे क्या करना है हमें हमें करना है कि बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज को किस तरह से गेन करें सिर्फ किताबों से नहीं यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहें बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे नॉलेज को गेन करें उसके लिए हम क्या करना है ऐसी डिज़ाइन करनी है लर्निंग को लर्निंग लेसन प्लान को ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो जो है वो बाहर जाए अपनी क्लास से बाहर का जो वातावरण है स्कूल से बाहर की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्ज़र्व करें अपने घर परिवार के लोगों से मिले अपने कम्युनिटी के लोगों से मिले उनसे ऑब्जर्व करें और वहाँ से नॉलेज को गेन करें वहाँ जो भी एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं उसके बेस पर वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें नीदर टेक्स्ट बुक नॉट द टीचर इज़ एन ऑथोरिटी टू लर्निंग यानी कि सिर्फ टीचर या टेक्स्ट बुक को ही अथॉरिटी नहीं है कि वही सिखा सकते हैं हम अपने आसपास के लोगों और आसपास के वातावरण से भी बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं नेक्स्ट बात कही गई कि क्रिटिकल पेडागोजी क्रिटिकल पैडोगोजी यानी कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर बल देने की बात कही गई है स्टूडेंट्स आर क्रिटिकल ऑब्जर्वर ऑफ देयर ओन कंडीशन एंड नीड्स एंड शुड बी पार्टिसिपेंट इन डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू देयर एजुकेशन एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। यानी आपको पता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं क्रिटिकल ऑब्ज़र्वर्स होते हैं यानी चीज़ों में कमियां निकालने वाले होते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है या हमारा समाज ऐसा है हमारे समाज में ये चीज़ें हैं ये गलत है ये सही है तो कैसे होते बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले होते हैं तो हमें आ, क्या है उनका पार्टिसिपेशन कराना इन सब चीज़ों में इन डिस्कशन में उनको डिस्कशन या जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड हो गई चाहे उनकी सोसाइटी से रिलेटेड होगी उनमें उनका Uh, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम करा सकें ऐसी हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है हैंस इन्वॉल्व क्रिटिकल पैडागोजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस तो हम हरी जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए जिसमें हम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करा सकें क्रिटिकल पैडागोजी यानी कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र होना चाहिए जैसे कि जो भी स्टीरोटाइप्स हैं जो कुछ लोग लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं या कास्ट ऊंच नीच को मानते हैं या बैकग्राउंड्स को मानते हैं कि भाई ये गरीब है ये मैं से फ्रेंडशिप नहीं करूँगा या अमीर है तो वो सारी भावनाओं को दूर करने की ज़रूरत है उन सब जो चीज़ें हैं उनसे ऊपर उठाने की ज़रूरत है ठीक है और लास्ट बात कही गई इस चैप्टर में कि एसोसिएट चाइल्ड नॉलेज विद लोकल नॉलेज यानी चाइल्ड की जो लोकल नॉलेज चाइल्ड की जो नॉलेज है खुद की जो नॉलेज है उसकी उसको उसकी लोकल नॉलेज से कनेक्ट किया जाए जैसे मैंने बताया कि बच्चा देख रहा है कि दिन रात हो रहा है ठीक है ये उसकी एक्सपीरियंस है उसका चाइल्ड की नॉलेज है अब हम उसको लोकल नॉलेज से कलेक्ट कराएं मॉडल से बताएं कि किस तरह से दिन रात हो रहा है या प्लांट्स हो गए प्लांट्स के बारे में वो देख रहा है प्लांट्स को कि प्लांट्स हमें फल दे रहे हैं प्लांट्स हमें फूल दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं या एनिमल्स के बारे में ठीक है उसके बाद सबसे पहले तो हमें चिल्ड्रन की नॉलेज को लोकल नॉलेज से कनेक्ट कराना है उसके बाद अब चिल्ड्रन जो ने जो, जो स्कूल में सीखा है उसे उसकी कम्युनिटी की नॉलेज से एसोसिएट करना है यानी एसोसिएट स्कूल नॉलेज विद कम्युनिटी नॉलेज अब स्कूल में क्या सीखते हैं बच्चे जो बुक में देखता है जैसे हिस्ट्री की कोई चीज़ देखी हमने या पॉलिटिक्स की कोई चीज़ देखी जैसे कि ग्राम पंचायत क्या होता है प्रधानमंत्री क्या होता है राष्ट्रपति क्या होता है ठीक है तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं छोटे किसी जगह पर ग्राम पंचायत जहाँ पर होती है वहाँ लेके जा सकते हो प्रधान के पास लेके जा सकते हो वहाँ पे चीज़ें उसको क्या है दिखा सकते हो कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हो उसकी जो स्कूल नॉलेज है उसको आ, बताने के लिए समझाने के लिए एसोसिएट करने के लिए या हिस्ट्री की कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हो हिस्ट्री का कोई आप आ, चीज़ दिखा रहे हो कि इस सन में इस राजा ने ये बनाया तो हम एक टूर कंडक्ट कर सकते हैं कि टूर पे हम वहाँ पे ले जाएं उसे चीज़ों को दिखाएं ठीक है वहाँ के लोगों से बात कराएं तो इस तरह से करने से क्या होता है नहीं एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम उनको एजुकेशन दें तो वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आएगी और वो जो होगी उनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ठीक है तो ये सारी बातें जो हैं वो इस चैप्टर में कहा गया एनसीएफ ने कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स अभी ने देखा होगा कि ये सारी चीज़ों में आपके बहुत सारे जो एन के क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड रहे ईवन सिर्फ एन सिर्फ एनसीएफ के नहीं बल्कि जो पैडोगोजी में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने एन 2005 को पूरी तरह से समझ लिया तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा लॉन्ग हो गया पर मैं डिटेल में आपको ये बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें जो है पेटोलॉजी के बहुत सारे सेक्शन जो है वो कवरअप हो जाएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय